बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती लड़कियों को छेड़ते हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर पर हाथ उठाने की? चलो मेरे साथ गाड़ी में। अरे सर, मुझे नहीं पता था कि आप पुलिस ऑफिसर हैं। प्लीज मुझे माफ कर दें और मुझे जाने दें। आराम से बैठ जाओ, बाकी की कार्रवाई थाने में जाके होगी। ऑफिसर बात सुने, वो मेरा बैग गिर गया, वो तो मुझे उठा के दे दे। बैग, ये तुम्हारा बैग, लेकिन ये तुम्हें थाने में जाके मिलेगा। अरे ऑफिसर, इसमें जरा चेक तो करें मेरे घर की चाबी है या नहीं। वो बंदा मुझे मशकूक लग रहा था, एक दफा चेक कर लें प्लीज। इसमें तो कुछ नहीं है, खाली पर्ची है बस। अरे इसमें मेरे घर की चाबी नहीं है। ऑफिसर आप एक दफा उस आदमी से जाके पूछ लें, मुझे उस पे शक हो रहा है कि कहीं उसने मेरे घर की चाबी तो नहीं निकाली। अरे ओ भाई रुक, बैग से जो चाबियां निकाली हैं वो वापस करो। रुको, रुक जा। किधर गया यार, अभी तो यही था। अरे भाई रुके, भाई आपने किसी देहाती आदमी को भागते हुए तो नहीं देखा? वो देहाती आदमी वो इस साइड में भाग रहा था। ओके। मोहतरमा, आप तक मुझे खबर पहुंचाने के लिए कहा गया था। खबर? कैसी खबर? और आप हैं कौन? मुझे अपना खैर ख्वाह समझे, और खबर ये है कि आपका भाई आज आपके घर में चोरी करने वाला है। चोरी करने वाला? अरे उसके पास तो मेरे घर की चाबी ही नहीं है, और वो चोरी करने वाला है, ये बात आपको कैसे पता? मुझे सब पता है, और मुझे ये भी पता है कि थोड़ी देर पहले आपके घर की चाबियां चोरी हो चुकी हैं। लेकिन एक बात की समझ मुझे नहीं आई कि आप अभी तक यहाँ बैठकर उस पुलिस अफिसर का इंतजार क्यों कर रही हैं? आपको तो यहाँ से चले जाना चाहिए था। अरे ये शख्स कौन था और इसे इन सब बातों का कैसे पता, और इसे ये कैसे पता कि मेरा भाई मेरे घर में चोरी करने वाला है? पुलिस मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। नहीं, मुझे भागना नहीं चाहिए। आई थिंक पुलिस ऑफिसर को ना मैं अपने साथ घर ही ले जाती हूँ। सॉरी मैम, वो शख्स आपकी घर की चाबियाँ लेके भाग गया, मैं उसको नहीं पकड़ पाया। ऑफिसर आप उसको दफा करें, आप मेरे साथ चले, मुझे पता है कि मेरे घर की चाबी किसके पास है, और मुझे आपकी एक और हेल्प भी चाहिए। आप यहाँ घूम रहे हैं और आपकी बहन सारी जायदाद बेच के बाहर शिफ्ट हो रही है। बाहर शिफ्ट हो रही है, क्या मतलब है आपका, और आप कौन हो? मैं आपका खैर ख्वाह, मुझे पता था कि आप मेरी बात पर एतबार नहीं करेंगे, तो ये रहे कागजात जो आपकी बहन ने ज़मीन बेच दी है। बेच दी है? मुझे तो अभी भी आपकी बात पे एतबार नहीं आ रहा। एतबार नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, आप अपनी बहन के घर की चाबी पकड़ें, उसकी जाके अलमारी खोलें, वहाँ से आपको उसके बाहर जाने की टिकट्स मिलेंगी। अगर फिर भी एतबार ना आए तो आपकी किस्मत।
वाह भाई वाह, अपनी बहन के घर में चोरी कर रहे हो। मैं चोरी कर रहा हूँ? और जो तुमने मेरा हक मारा हुआ है उसका क्या? हक मारा हुआ है? कैसा हक मारा हुआ है? ये देखो, ये है प्रूफ। ये तो शुक्र है उस शख्स का जिसने मुझे बता दिया कि तुम हमारी जमीन हड़प करके और बार शिफ्ट होने लगी हो। क्या बोल रहे हो तुम? जमीन हड़प करके मैं बार शिफ्ट होने वाली हूँ? किसने बताया तुम्हें? ऐसा हो सकता है कि मैं अपने भाई को छोड़ के बार शिफ्ट हो जाऊँ? बस करो तुम, यही है ना वो शख्स जिसे तुम जमीन के कागजात बेच कर बार शिफ्ट होने लगी हो। अरे नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक पुलिस अफिसर हूँ। मुझे लगता है जानबूझकर किसी ने तुम दोनों बहन भाइयों के अंदर फूट डालने की कोशिश की है। अरे नहीं सर, मुझे एक शख्स ने कंफर्म बताया है कि ये जमीन बेचकर बाय शिफ्ट होने लगी है। ठीक इसी तरह मुझे भी एक शख्स ने बताया कि मेरा भाई मेरे घर में चोरी करने वाला है। वैसे तुम दोनों को किसी गैर शख्स की बात पर एतबार करने से पहले एक दूसरे से बात कंफर्म कर लेनी चाहिए थी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया के तमाम रिश्तों से बहन भाई का रिश्ता एक मजबूत रिश्ता होता है। ना बहन भाई को धोखा दे सकती है और ना भाई बहन को धोखा दे सकता है। लोगों का तो काम होता है कि एक अच्छे रिश्ते को खराब करना। हमें चाहिए कि लोगों की सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करें, बल्कि यकीन करें तो अपने रिश्ते पर यकीन करें। एक सच्चा रिश्ता कभी भी इंसान को धोखा नहीं दे सकता। ना जाने कितने लोग गैरों की बातों पर एतबार करके अपने रिश्ते खराब कर चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।